एक बगावत मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से बल्कि शरीफ खानदान के अंदर से हो गई। दो MNAs मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, शहबाज गिल साहब बड़े खुश हैं, इन पे भी वक्त आ सकता है। ये मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने इस्तीफा भेजा और भेजा मरियम सफदर साहबा ने, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, और सज्जाद अवान साहब ने इस्तीफा भेज दिया और चेक करने के लिए भेजा था कि देखते हैं क्या होता है। वो हो गया जनाब, वो असली वाला शेर आ गया, स्पीकर कौमी असम्बली के पास पहुंच गया। अब सज्जाद अवान साहब कौन है चौहान साहब? सज्जाद अवान साहब कैप्टन सफदर अवान साहब के बड़े भाई हैं, जो कि मरियम सफदर साहबा के शौहर हैं। अब जब स्पीकर ने उनको बुलाया, पहले तो उन्होंने फ़ोन पे कह दिया दोनों अरकान ने कि जनाब ये हमारे इस्तीफे नहीं हैं, ये तो सोशल मीडिया पे आप तक कैसे पहुंच गए। स्पीकर ने कहा जनाब ये इस्तीफे आप तहरीरी तौर पे हमें बताएं और आके बताएं, वरना ये मंजूर हो जाएंगे एज़ पर पॉलिसी और एज़ पर कानून। आज फिर दोनों अरकान गए और दोनों अरकान ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले मरियम सफदर साहबा की पॉलिसी क्या थी, इस्तीफों के बोसों में हमारे दो अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास भेज दिए। एक सज्जाद अवान साहब का इस्तीफा है और दूसरा मुर्तजा जावेद अब्बासी का। मैं इन दोनों को भी ये कहती हूँ, भले गलती से चले गए, अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो, तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको, ये पढ़े इस्तीफे करो कबूल इनको। ये मुस्लिम लीग नवाज के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे ऑन द रिकॉर्ड ये पहली बगावत है जनाब। और असद कैसर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लें। आज तो वो सेक्रेटरी में आए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब से मिले हैं और उन्होंने इनकार किया और उन्होंने बताया है कि ये इस्तीफे हमारे नहीं है और ये जारी है, तो फिर जो कानून के मुताबिक होगा मैं इंशाल्लाह कल इसके ऊपर जो है ना अपना देखूंगा कि क्या इसका लीगल प्रोसीजर क्या है, यानी हम जो कानून के मुताबिक वो करेंगे। ये जरा दोबारा सुनाएं जी, वो कह रहे हैं कि अब मैं मजीद इसका प्रोसीजर चेक करूंगा, क्योंकि कानून इस बारे में मैं आपको बता दूं बड़ा वाज़ह है, वो ये है कि अगर एक दफा इस्तीफे चले गए और वो साबित हो जाए, अरकान कह दें कि जनाब ओरिजिनल हैं, तो फिर स्पीकर भी वापस नहीं कर सकते। सिर्फ अरकान उस सूरत में कि वो कहीं जी जाली हैं या ये मेरी मर्जी और मंशा के बगैर आप तक पहुंचे हैं, तब ये वापस हो सकते हैं, स्पीकर का अख्तियार तब है और अदरवाइज नहीं है। स्पीकर को दोबारा सुन लें। आज तो वो सेक्रेटरी में आए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब से मिले हैं और उन्होंने इनकार किया और उन्होंने बताया है कि ये इस्तीफे हमारे नहीं है और ये जाली है, तो फिर जो कानून के मुताबिक होगा मैं इंशाल्लाह कल इसके ऊपर जो है ना अपना देखूंगा कि क्या इसका लीगल प्रोसीजर क्या है, यानी हम जो कानून के मुताबिक वो करेंगे। ये स्पीकर जाली हैं, स्पीकर का सॉरी कह रहे हैं कि ये इस्तीफे जाली हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि ये, उन्होंने आके कहा कि जनाब ये जाली हैं। अब ये पता नहीं इत्तेफाक है कैलबरी फ्रंट का और इसका, क्यों जी? सर देखें, इसमें दो चीज़ें, मुझे तो इस पर हंसी आ रही सारी सिचुएशन पे। मरियम साहबा की एग्जांपल वो है, से पंजाब में कहते हैं कि सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। सो उनकी स्पीड इतनी तेज है कि उन्हें खुद नहीं समझ आ रही वो क्या कर रही है, उनकी पार्टी तैयार है कि नहीं। बाकियों को छोड़ दें, सज्जाद साहब उनके जेठ हैं, ये उनके शौहर के बड़े भाई हैं, तो अब तो उनका ना ससुराल मानता है उनकी बात, ना मेका मानता है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी उनसे नाराज हैं, हमजा शहबाज भी उनसे नाराज हैं, तो पूरी पार्टी को नाराज करके वो काम करने की कोशिश कर रही हैं। पर्पस सिर्फ क्या है कि किसी तरह से NRO मिल जाए, क्योंकि नवाज शरीफ का आगे पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, आप जो आने वाली डेवलपमेंट्स है उनको नहीं देख रहे, वहाँ से हिजरत करनी पड़नी है दोबारा लंदन से, पासपोर्ट जब आपका हुआ, क्योंकि बीमारी तो झूठ है, सबको पता चल गया, खुद भी मान गए हैं कि वो झूठ बोल के गए थे। लेकिन आपको इस सारी चीज में, एक पंजाब असेंबली में भी आज पता चला है कि इस्तीफा गया है, वो मुझे पता चला शायद पंजाब असेंबली भी अब उसका करेगी, हिना परवेज भट्ट साहबा का, तो ये आप देखेंगे वो भी भाग जाएंगी, वो भी नहीं कहेंगी मैंने इस्तीफा दिया। ये कभी सवाल ही पैदा नहीं होता ये इस्तीफा दें, वजह क्या है? आप ड्राइव करते हैं बहादुरी या करेज अपनी लीडरशिप, जब नवाज शरीफ भाग गए हैं, वजह राणा सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं, आपके पास ये वजह नहीं है, वजह राणा सनाउल्लाह साहब के पास है। राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा वजह बताई है, क्योंकि देसी आदमी हैं, पंजाबी हैं, ठेठ पंजाबी, और बड़े सादा अंदाज में उन्होंने बताया कि क्या वजह थी, जरा सुनाइए जी। फिलहाल PDM ने तो ये फैसला नहीं किया कि इस्तीफे जो है वो स्पीकर को पेश किए जाए,
या टेंडर किए जाए। फिलहाल तो यही है कि जी पार्टियां जमा करें, पार्टी की आदत, तो वो कह रहे हैं कि हमने 100% कर ली है। अब राणा सनावला साहब कह रहे हैं जनाब कि ये तो पीडीएम ने तो कोई फैसला नहीं किया था कि जनाब ये इस्तीफे जो हैं वो हमने देने हैं आगे स्पीकर को दें, ये तो मरियम सफदर साहबा का फैसला है और मरियम सफदर साहबा का फैसला पीडीएम का फैसला नहीं है। तो पीडीएम का फैसला असल माना जाएगा, मरियम सफदर साहबा का फैसला नहीं माना जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा। दोबारा सुनाते हैं आपको तरतीब के साथ। मरियम सफदर साहबा, हमारे दो अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास भेज दिए। एक सज्जाद अवान साहब का इस्तीफा है और दूसरा मुर्तजा जावेद अब्बासी का। मैं इन दोनों को भी ये कहती हूँ, भले गलती से चले गए, अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो, तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। ये सारी बात जनाब स्पीकर कौमी असम्बली ने बता दिया है कि वो आए थे, उन्होंने कहा ये जाली हैं, लिहाजा उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया क्योंकि एक यही रास्ता था, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब जनाब राणा सनाउल्ला साहब एक और शॉट सुनिए कि हमने कोई फैसला नहीं किया, सुनाए। फैसला कर लिया कि सेनेट और जमीनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। नहीं, हमने कोई फैसला नहीं किया, फैसला यही किया है कि पीडीएम जो है उसका जो अजलास यकम को हो रहा है वहाँ पे कोई ऐसा इत्तफाक़ी राय पैदा किया जाए कि तमाम पार्टीज और। अब एहसन इकबाल साहब को सुने जी। हमने जो इस्तीफे मांगे थे अराकीन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से मांगे थे, और हमारी हिकमत अमली में सैनेट को खाली करना या सैनेट को किसी तरह भी सेबोटाज करना हिकमत अमली का हिस्सा नहीं था। अपनी मुशावरत की है, तजावीज़ बनाई हैं, और मुस्लिम लीग नून अपनी जो तजावीज़ हैं वो यकम जनवरी को पीडीएम के सरबराह इजलास में रखेगी। अब जनाब ये आसन इकबाल साहब भी पीछे हट के अब खुर्रम दस्तगीर साहब को सुन लें। मुख्तलिफ राय आती हैं, मुख्तलिफ जो सियासी सूझबूझ के लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, ज्यादा गालिब राय यही है कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन बहरहाल आखिरी फैसला जो है वो यकम जनवरी को लाहौर में होगा। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए जनाब, अब आखिरी फैसला ये है, और अब पीएमएलएन भी पीछे इस्तीफे नहीं देने, जो दिए हैं उनको जाली कह दें। चौधरी साहब गिल साहब से मैं बाद में पूछूंगा, पहले आप बताएं ये हो क्या रहा है। वो कह रहा है कि जब आपकी कोई मूव ठीक ना पड़े, जब आपका एजेंडा लोगों को कबूल ना हो, जब लोग आपके लाहौर जैसे 2 करोड़ लोग जिधर सारा दिन रहते हैं वहाँ कुछ हजार लोगों के अलावा ना आए, और आपने लंबी कंपेन की हो, 13 दिसंबर को फैसला हो जाएगा, ये कर देना है वो कर देना है, अब अंदाजा लगाएं। मरियम साहबा को तो अभी फिल फॉर पार्टी का उद्दा और सियासत छोड़ के घर बैठने जाना चाहिए। कल वो बड़े तुम त्राक से बड़े जिसको पंजाबी में कहते हमें ना कह रहे सर कि जी वो ये दोनों जो हैं वो आपने जाके कह दे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, उनका ख्याल है वो इस तरह माहौल बनाएंगे। तो माहौल ये बन गया है कि इन्हों का माहौल बन गया सारे मुल्क के, नंबर एक, और इनकी पार्टी जो है वो तितर बितर हो गई है, नंबर दो, इतिहादी जो है मुंह मोड़ गए हैं, और ये मरियम साहबा शी हैज नथिंग टू सेल, क्योंकि बात यह है कि जब आपका कोई चीज ठीक तरफ कोई मूव ना जाए तो टामक टोइयां मारते हैं। अब उनको लेना लाइन पर मरियम नवाज को कभी, और उन्हें कभी बचाएं जी, वो आपके जो एमएनए थे जिनको आपने कहा था जाके इस्तीफे कबूल करें, बल्कि बैलगाड़ी पर जाके बैठ के उनको लाद के लेके जाएं और वहां रख के आके आ जाए, तो वो तो कहते जी हमने दिए ही नहीं है। सर हमने तो काफी दफा और भेजे आपने, हमने तो काफी दफा रिक्वेस्ट किया मरियम सफदर साहबा से कि आए हमारे प्रोग्राम में या हमें बुला लें, हम आके इंटरव्यू कर लेते हैं तो सारी गुफ्तगू हो सकती है। तो एक ब्रेक के बाद वापस आ कुछ मजीद खबरें जी।